अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के फोटो से उसे अपनी मोहब्बत में फिर से पागल कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई है या किसी तरह की कोई तकरार चल रही है या फिर आपका जो बॉयफ्रेंड है वो आपसे बहुत दूर हो गया है, कोई आपके बीच में कोई ऐसी अनकही बात हो गई है जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपसे फिर से बात करने लग जाए, आपकी जिंदगी में फिर से वापस आ जाए, तो आप इस अमल को कर सकते हैं क्योंकि इस अमल को करने से आपकी मोहब्बत आपके पास वापस आ जाएगी। इसको करने के लिए दोस्तों आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको उनका फोटो चाहिए होगा, आप एक छोटे साइज का फोटो अगर ले लेते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो भी अगर आपको मिल जाता है तो आप उससे भी इस अमल को कर सकते हैं। फोटो लेने के बाद जो दूसरी चीज आपको लेनी होगी वो लेना है आपको एक साबुत नींबू, नींबू पीला वाला नींबू आपको लेना है और उसे बीच में से काट लेना है। अब इस अमल को करने के लिए सबसे पहली चीज, वजू कर लें, साफ कपड़े पहन लें और एक जगह पर बैठ जाएं जहां पर कोई भी आपको देख ना रहा हो, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर रहा हो, वहां पर आपको बैठना है और ध्यान रखना है कि किसी को भी आपको उस समय किसी से बातचीत नहीं करनी है। फोटो को अपने सामने रख लें और फोटो पर देखते हुए आपको एक बात बोलनी है, एक मंत्र बोलना है, वो है या वदूदू आपको बोलना है 51 मर्तबा, यानी कि 50 और 51 मर्तबा आपको बोलना है या वदूदू और फोटो को देखते हुए आपको ये बोलना है और उसके बाद दम कर देना है फोटो के ऊपर। दम करने के बाद आपको क्या करना है, फोटो को उल्टा कर देना है, यानी जिस तरफ सफेद वाला साइड होता है वहां पर आपको कर देना है और जो आपने नींबू काटा था, नींबू का जो आधा नींबू लिया था उसका जो रस है वो आपको इसके ऊपर डाल देना है, फोटो के ऊपर डाल देना है पीछे की तरफ। अब आपको फोटो पर नींबू का रस गिरा हुआ होगा तो आपको उसे थोड़ी देर वैसे ही रखे रहने देना है और उतनी देर आपको या वदूदू फिर से बोलना है, लेकिन अब की बार 21 मर्तबा बोलना है, यानी कि 21 मर्तबा जब आप बोल देंगे उसके बाद आपको फोटो को लेना है और फोटो को ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोटो अगर छोटा फोटो है तो सिर्फ दो बार फोल्ड करेंगे तो हो जाएगा, अगर बड़ा फोटो है तो आपको उसे 4 मर्तबा फोल्ड करना है और उसके बाद आपको इस फोटो को कहीं पर लेकर जाना है। जी हाँ, क्योंकि आपको इसे घर पर ही नहीं रखना है, आपको इस फोटो को बाहर लेकर जाना है सुनसान जगह पर जहां पर कोई भी ना हो आसपास में, साफ जगह पर आपको जाना है, जहां पर गंदी जगह नहीं जाना है, साफ जगह जाना है, सुनसान जगह पर जाकर वहां पर मिट्टी को खोदना है और उसके बाद इस फोटो को वहां पर दफन कर देना है और उसके बाद अच्छे से उसको दफन करने के बाद आपको वापस आ जाना है। आप जैसे ही घर पहुंचेंगे, घर पहुंच के फिर से वजू कर लें, साफ कपड़े पहन लें, आपके वजू करते करते ही आपकी प्रेमिका का आपके पास या तो फोन आ जाएगा या तो आपके पास उनका मैसेज आ जाएगा या फिर वो आपके पास खुद ही चली आएंगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस समय आप ये पूरा अमल कर रहे होंगे आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेमिका के बारे में ही सोचना है, सच्चे मन से आपको अपनी प्रेमिका के बारे में सोचते हुए इस पूरे अमल को करना है। और यकीन मानिए हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने ये अमल दिया था, उन सबको फायदा हुआ है, तो अगर आप भी इसे सही तरीके से करेंगे तो आपको भी फायदा जरूर होगा। अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं और मौलाना जी से अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।